सर, अभी जो वेस्ट पेपर मार्केट का सिनेरियो है उसके बारे में थोड़ा आप बताइए सर। देखिए, वेस्ट पेपर जो है अभी जो हमारे को मिल रहा है, पिछले दो साल में पेपर का कंजम्पशन काफ़ी श्रंक हो गया है। मतलब जैसे 2020 में जब कोविड आया था तो पेपर कंजम्पशन श्रिंक हो जाने से पेपर कंज्यूम नहीं हुआ, और स्पेशली राइटिंग प्रिंटिंग रेट के जो पेपर हैं वो उनका कंजम्पशन और न्यूज़पेपर्स का कंजम्पशन वो घट के जो है राइटिंग प्रिंटिंग हो गया 55-60% और बाद में दूसरे साल में हो गया 35%, और न्यूज़ प्रिंट का पहले साल में घट के हो गया 17-18%, अब जो दोबारा अपग्रेड होकर 28-30% हो गया। तो जो चीप पेपर हमने कंज्यूम किया है वो कुछ समय के बाद अब मार्केट में आ रहा है, तो पेपर का जो वेस्ट पेपर का इनपुट है वो काफ़ी पुअर है, खासतौर से दो ग्रेड में। जो पिछले दो साल में मटेरियल चला है वो पैकेजिंग ग्रेड के माल चले हैं, और वो इस समय पेपर इंडस्ट्री में है पैकेजिंग ग्रेड के पेपर्स जो हैं बोर्ड हैं उनका कंजम्पशन जो है 55-60% है। उनका जो मतलब कंट्रीब्यूशन है, पार्टिसिपेशन है इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में पैकेजिंग पेपर 55-60% यूज़ हो रहे हैं, और 55-60% में उसको वो वापसी में भी तकरीबन, जैसे मैं आपको बोलूँ कॉरोगेशन वेस्ट जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली कंजम्पशन का 90% तक रिकवर भी हो जाता है। वो जो मतलब डंपिंग में बहुत कम जाता है, ऑलमोस्ट ऑल दी स्टेजेस, कन्वर्जन स्टेज पे, बाद में स्टेज पे वो वापस भी कवर होता है। पर जहाँ पूरी दुनिया में पेपर का कंजम्पशन कम हुआ है, इंडिया में जो है आइदर ये स्टेबल रहा है, और अभी पिछले कुछ समय से जब से कोविड रिस्ट्रिक्शंस कम हुए हैं तो इसमें थोड़ा ग्रोथ भी देखने को आई है, और एक मार्केट में रिवाइवल बहुत फास्ट लेवल पे आ गया। स्कूल कॉलेज का खुलना, ऑफिसेज का खुलना, वर्क फ्रॉम होम से छुट्टी मिलना, उससे जो है रिवाइवल लेवल इतना ज़्यादा हो गया है। जो हम पे इनपुट आ रहा है वेस्ट पेपर का, मैंने जैसे कहा पहले राइटिंग प्रिंटिंग ग्रेड के पेपर्स, कॉपी किताब रिकॉर्ड या वाइट कटिंग्स, वो बहुत कम आ रहे हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट में भी एक बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। जहाँ तक वेस्ट पेपर की मार्केट है, ऑलमोस्ट सारे ही वेस्ट पेपर डबल प्राइस पर हो गए पिछले 5-6 महीने में। जो चीज़ पहले 16-17-18 रुपये थी वो बढ़ के अब 31-32 रुपये हो गई है कॉरोगेटेड वेस्ट। ऐसे राइटिंग प्रिंटिंग ग्रेड के मटेरियल 50-51-52 रुपये की रेंज में आ गए हैं। जो चिल्ड्रंस नोटबुक है वो 42-43 रुपीज़ तक हो गई है। तो सभी पेपर बहुत कम हो गए हैं, पर अब उम्मीद है कि आने वाले समय में ये हर साल दिसंबर से मार्च तक लोकल डोमेस्टिक कलेक्शन वैसे भी नॉर्मली कम हो जाता है, अभी अप्रैल से दोबारा कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है। तो डोमेस्टिक कलेक्शन बढ़ने पे सबसे पहले मार्केट स्टेबल होगा। पिछले कुछ महीने से यूरोपियन कंट्रीज से एक्सपोर्ट बैन था वेस्ट पेपर का, वो भी अब दोबारा से चालू होने की संभावना हो गई है, ऐसे कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं नॉलेज में, जो 15 अप्रैल तक चालू हो जाएंगे। वैसा कुछ होने से एक तो डोमेस्टिक कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है, दूसरे जो है मार्केट में इम्पोर्टेड वेस्ट के आने की संभावना है, जो कि मई के एंड तक या जून तक आ जाएंगे, तब उस समय प्राइस जो है डिक्रीज हो सकता है। अब देखिए, इंडिया में हमेशा से फाइबर की कमी रही है, पेपर जो फाइबर्स होते हैं हमेशा से कमी रही है, लेकिन इंडिया अब अच्छा इंपोर्ट करता है, अच्छा कलेक्शन भी होता है डोमेस्टिक कलेक्शन, फिर भी फाइबर की हमेशा कमी रहती है। तो वो कमी आपने क्या कारण देखते हैं कि वो कमी को दूर किया जा सके? इंडिया में वेस्ट पेपर डेफिसिट, फाइबर डेफिसिट कंट्री है, उसके 2-3 कारण हैं। यहाँ पे जो पेपर कंजम्पशन है वो मोस्टली जो है वो रिसाइकल्ड पेपर है, और जो फॉरेन में मटेरियल होता है वो वर्जिन पल्प से मटेरियल बनाया जाता है। तो जो वर्जिन पल्प का पेपर होता है उसको 5-6 बार रिसाइकल कर सकते हैं हम लोग, बार बार रिसाइकल करने से फाइबर ख़त्म हो जाता है। इंडिया में जो हम नॉर्मली रिसाइकल्ड पेपर यूज़ करते हैं जो मल्टीपल टाइम रिसाइकल्ड हो चुका होता है, तो
ट्रायल टाइम जो है वो 10-15% जो कम होता जाता है। और दूसरे क्या है कि चूंकि इंडिया में अभी तक पेपर कंजम्पशन बहुत कम था, दूसरे कंपेरेटिवली दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत कम था, और इसलिए जो इंडिया में और जगह पर जहाँ मार्केट श्रंक हुई है, इंडिया में एक्सपेंशन हो रहा है। इंडिया में अभी भी पेपर की डिमांड जो है हर साल 4-5% के एनुअली बढ़ रही है। तो 5% इंक्रीज़ होना, 15% फाइबर का लॉस होना, और दूसरे चूँकि ये कमर्शल प्रोसेस है, जो पेपर कलेक्शन करने में और मार्केटिंग करने में जो खर्चा होता है उससे ज़्यादा प्राइस पे इकट्ठा होता है, उससे ज़्यादा प्राइस पे बिकता है, सब वही पेपर कलेक्ट किया जाता है। जो पेपर्स उस क्वालिटी के हैं जो रीयूजेबल नहीं है या जिसको कलेक्शन करके मिल को भेजने में पैसा पूरा नहीं होगा, वो पेपर जो है डंपिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, 28-30% जो है फाइबर हमको शॉर्ट पड़ता है, वो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। मतलब जितना पेपर रिसाइकलिंग के लिए चाहिए उसमें से तकरीबन 72-75% इंडियन डोमेस्टिक पेपर होता है और 28-30% जो है इम्पोर्टेड वेस्ट पेपर होता है। वो जो बैन से, जब से बैन लगा है यूरोपियन कम्युनिटी ने बैन लगाया है, तब से आपके रॉ मटेरियल प्राइस कितने बढ़ गए हैं और ये कब तक कितने और बढ़ सकते हैं बैन खुलने तक? सर यूरोपियन कंट्रीज ने जो बैन लगाया है तो वो एक अकेला फैक्टर नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल प्राइसेस जो है उसके बाद जो है ऑलमोस्ट जो है 25% बढ़ गए हैं, एंड 25% ने कुछ ग्रेड्स में, जैसे वाइट के ग्रेड हैं उसमें 50-60% तक बढ़ गए। जो माल पहले 700 या $800 पे अवेलेबल था उसका प्राइस बढ़ के $1100-1200 तक हो गया। जो OCC पहले $285-290 पे अवेलेबल थी उसका प्राइस बढ़ के $365 हो गया। जो सॉफ्ट मिक्स वेस्ट था वो पहले $220 पे था, जो बढ़ के अब जो है $270-275 पे हो गया है। एक तो प्राइसेस बढ़ने के दो कारण हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ का एक्सपोर्ट पे बैन, प्लस दूसरे जो है शिपिंग लाइंस में कंटेनर्स का ना होना या क्रूड ऑयल का रेट बढ़ जाने से जो कंटेनर चार्जेज हैं उसमें 20-30% की बढ़ोतरी हो गई। इंडिया में जो है विंटर सीजन चलने से कलेक्शन का ना होना, तो वो सब चीज़ें मिला के जो है वेस्ट पेपर काफ़ी ऊंचे रेट पर चला गया है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।